ईंधन पर बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन ईंधन पर बसों को चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली रखी गई थी। ये हम लोग ने ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है जो हमारी एनटीपीसी जो देश की सबसे भारत ना कंपनी है बिजली उत्पादन और बाकी सब उसके बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो हमने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और LAHDC के साथ MOU किया था जिसमें कि हम लद्दाख में वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। देश में जो है एक ये पहला प्रयास है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 या 21 में लाल किले से बोला था कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो वो उसमें से ये एक बहुत बड़ा और एक यूनिक प्रयास है ये जो है। और ऑलमोस्ट अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीशन पे ही है, तो चेकिंग कमिश्निंग टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं तकनीकी टर्म में जो है, तो ऑलरेडी वो चल रहा है हमारा। तो होपफुली जो है हमारा जो है 31 अगस्त तक, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग और फर्स्ट वीक मैक्सिमम तक जो है हम लोग इनॉग्रेशन कर देंगे और जल्दी ही आप देखेंगे कि लेह में जो है ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है सेवा।